बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करना। वर्कआउट से पहले करो, वर्कआउट के बाद में 20 से 25 मिनट लगातार करना है ये वर्कआउट। और फिर देखना, दो महीने भी अगर आपने लगा लिया ना, मतलब पूरी स्ट्रेंथ स्टेमिना सब कुछ आ जाएगा। फैट लॉस तो होना ही होना है, कैलोरी बर्न होगी, कार्डियो वगैरह सब जाना है, इसमें कैलोरी बर्न होगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपको ये जैसे मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, सारी आपने करनी है ऐसे ही लगातार इसी लाइनअप में करनी है। और सारी एक्सरसाइज के आपको 5 सेट लगाने हैं मैक्सिमम रेपुटेशन के साथ, जिसमें हम पूरी मतलब ये होना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब ये है कि बॉडी बिल्कुल थक जाए, सांस फूल जाए। सबसे पहले ये करना है, 5 सेट लगा लेना इसके, मतलब कम से कम 50 तो लगाने रेपुटेशन, बाकी मैक्सिमम। दूसरा थकने तक ये दोनों व्यक्ति लगा सकते हो, 5 से 6 इसके सेट लगाने हैं। इसके बाद ये ऐसे कर दो जी, आप ये चीज भी कर सकते हो। इसमें एक ही वेरिएशन या फिर स्क्वाटे भी कर सकते हो, आपको जो वेरिएशन बेस्ट लगे। ठीक है, उसके बाद जैसे स्क्वाट में आते हैं पूरा ये, इसके भी ये ज्यादा करके नहीं करूंगा, आप इतने देख लीजिए। ये आपको 5 सेट लगाने हैं और अपने लंजेस। इसमें भी सेम वही, दोनों साइड 20-20 लगा लो। उसके बाद कोई भी जैसे आगे पैर पर है, आप कोई भी चीज ले सकते हो उसके ऊपर। इसके भी 5 से 6 सेट पूरा करें। इसके बाद इसके 5 से 6 सेट ये सारी एक्सरसाइज आप करोगे, सेट बना के करो, अलग अलग कर लो, लेकिन रेस्ट आपने बहुत कम लेना है। ये सारा वर्कआउट आपको 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। 5 से 6 सेट सबके मैक्सिमम, इतनी कैलोरी बर्न हो जाएगी कि आप और वर्कआउट करने के लायक भी नहीं रहोगे। एक बार करके देखना, जय श्री राम का नाम बोल के एक बार विश्वास करके करना, आप कितनी कैलोरी बर्न होगी, फैट लॉस होगा, स्टेमिना बढ़ाओ, मेरी गारंटी है। इसको ट्राई करें। थैंक यू।